वेलकम टू माय चैनल खान ज्योग्राफी सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन के एक्सरसाइज को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं और सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए दो तरीका है, एक ग्राफिकली यानी ग्राफ की मदद से हम कर सकते हैं और एक है ट्रिग्नोमेट्री के मेथड पर भी हम लोग सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं और ग्राफ की मदद से भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग किस तरह से ग्राफिकली करते हैं वो देखते हैं। सॉल्यूशन, तो यहाँ सॉल्यूशन लिख लीजिए। अब उसके बाद सॉल्यूशन में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रेडियस। ये स्टेप वाइज स्टेप करते हैं, ये स्टेप समझ लीजिए स्टेप वन ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप वन वी कैलकुलेट रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला है एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ द आरएफ। तो एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ वी नो 640 और उसके बाद 10^6 जिसको कहते हैं, और गिवन आरएफ, और आरएफ इज गिवन ये देखिए 65 और 60। तो 65 लिखें और 60, और ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं सेंटीमीटर स्केल में, ये इंच में भी कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो 60 यहाँ काट दिए हम, और ये 64 हमारा और 50 नहीं जाएंगे, तो ये हमारा आंसर आता है 9.84 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहला काम हो गया। स्टेप टू में जो हमारा मेरिडियंस है वो मेरिडियन को हम क्वेश्चन में कितना मेरिडियन बोला हुआ है ये आप फिर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में है मेरिडियन वेस्ट और ईस्ट में होता है, ये मेरिडियन होता है वेस्ट और ईस्ट में दिया रहता है। मेरिडियन मतलब लॉन्गिट्यूड। तो 20 डिग्री से 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे इसको मैनुअली यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 20 डिग्री टू 60 डिग्री, यानी ये मेरे ठीक है, यानी बीच में रहना चाहिए प्रोजेक्शन के। तो मेरिडियंस इज इक्वल टू, ये मेरिडियंस हम शो करेंगे पैरेलल्स, कौन कौन से पैरेलल्स कहा गया है। फिर से क्वेश्चन देखें आप कि 20 टू 40 डिग्री पैरेलल्स हम लोग मालूम है, मेरिडियंस और पैरेलल्स क्या होता है कि हम अगर इसको ग्लोब बनाएं, ये इक्वेटर है, तो ये जो लाइन है नॉर्थ टू साउथ, तो ये सब मेरिडियन है। ठीक है, ये सब मेरिडियन है, तो मेरिडियन हमारा आ गया। ये कौन कौन सा मेरिडियन होना चाहिए यहाँ पे हमने शो कर दिया कि मान लेते हैं ये इक्वेटर का लाइन है, इक्वेटर की लाइन पे ये 20, 10, 0, 10, 20 इस तरह का ये सब मेरिडियन होना चाहिए। और पैरेलल कौन कौन सा होना चाहिए, तो 20 ये 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर, इसके ऊपर क्वेश्चन कहता है कि ये होना चाहिए 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ। तो यानी 10-10 के इंटरवल पे है, तो 20 डिग्री नॉर्थ माने ऊपर 20 डिग्री, तो 10-10 के है इंटरवल पे, तो 0, 10, 20 और नीचे 40 डिग्री, तो 10, 20, 30 ये 10, 20, 30, 40, यानी हम इसको इस तरह से थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं कि ये मान लेते हैं 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के बाद ये 10 ये 10 और ये 20 नॉर्थ और नीचे भी 10, 20, 30 एंड 40 साउथ। ये देखिए 40 साउथ और 20 नॉर्थ, तो ये हमारा कैलकुलेशन का पार्ट हुआ कि तमाम पैरेलल्स हमने नोट कर लिए कि जो हमें प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना है, और तमाम मेरिडियंस को हमने नोट कर लिया, यहाँ लिख लिया है जो जो हमें वहाँ प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना है। ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं प्रोजेक्शन किस तरह से ड्रॉ होता है वो। तो ये समझ में आ गया, पहला काम हो गया स्टेप थी, थ्री स्टेप में किया इसको हम लोग कैलकुलेशन वाले पार्ट को। थ्री स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में रेडियस कैलकुलेट किए, रेडियस जो हमारा एक्चुअल अर्थ का दिया हुआ होता है और आरएफ जो क्वेश्चन में दिया रहता है उससे डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया सेंटीमीटर में। फिर मेरिडियन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको सबको इस तरह से सजा देंगे। सजाने के बाद देख लेंगे कौन सा बीच हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सब चेक कर लेंगे। वहीं से हमारा प्रोजेक्शन में स्टार्ट होना चाहिए। और स्टेप थ्री में हम क्या करें, पैरेलल जो भी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको भी एक रफली हम लोग वो सजा लिए कि ये ज़ीरो डिग्री से, ज़ीरो डिग्री के ऊपर कौन कौन सा मेरे पैरेलल होगा और ज़ीरो डिग्री के नीचे कौन कौन, यानी इक्वेटर के ऊपर हमें कितना प्रोजेक्शन में वो ड्रॉ करना है और नीचे कितना प्रोजेक्शन में हमें ड्रॉ करना है, ये सब एक रफ स्केच हमने यहाँ पे तैयार कर लिया। अब चलें फाइनल हम प्रोजेक्शन पे, चलिए प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रेडियस जो हमारा आया था वो 9.8 वो हम नाप लेते हैं। ये हो गया हमारा रेडियस। रेडियस के बाद इससे इसकी मदद से एक आर्क ले लेते हैं। पूरा सर्कल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सेमी सर्कल कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में हमारा पैरेलल्स के लिए जो वो दिया हुआ है, कितना नॉर्थ में कितना पैरेलल और साउथ में कितना पैरेलल एट द 10 डिग्री इंटरवल, तो नॉर्थ में टू पैरेलल्स विल बी ड्रॉन, एक 10 का और एक 20 का, और साउथ में चार 10, 20, 30, 40। तो यहाँ से हम विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर की मदद से इससे वो ले लेते हैं उसका मार्क। इस पॉइंट से हमको ये मिलाना है और ये ज़ीरो हमें इक्वेटर से मिलाना है जब ये प्रोटेक्टर हमारा सेट होगा, अदरवाइज फिर कहीं ना कहीं एरर शो करेगा। तो हम ये मार्क ले लेते हैं, पहले 90 भी मेजर कर लेते हैं। 90 अब यहाँ से हमें लेना है 10, अब इसे सबको ज्वाइन कर देंगे सेंटर से। यहीं तक हमें हमारा काम है। तो ये हमारा पैरेलल सब ड्रॉ हो गया। अब एक हम सबसे पहला जो हमारा लॉन्गीट्यूड होगा यानी मेरिडियन, तो वो 20 डिग्री वेस्ट, इसे भी हम मार्क कर लेते हैं। तो ये हम सेट स्क्वायर से भी कर सकते हैं, प्रोटेक्टर से भी कर सकते हैं, ज़्यादा इजी प्रोटेक्टर ही रहता है। तो यहाँ से इसको ये सेंटर मिला लेते हैं और इधर इक्वेटर मान लेते हैं। तो ये रह गया यहाँ पे, ये इक्वेटर सेट हो गया। तो यहाँ से ये बिल्कुल स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से हम से पैरेलल सेट करके और एक आर खींच लेंगे, एक परपेंडिकुलर खींच लेंगे। ये हो गया परपेंडिकुलर हमारा।
ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से एक लंबा लाइन ले लेते हैं जो इसके पैरल ये आगे, ये हमारा हो जाएगा इक्वेटर, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर। इसको ज्वाइन कर लेते हैं इधर से, इधर से इसको मिला लेंगे ताकि ये पैरेलल रहे, 90 डिग्री में रहे। और उसके बाद यहाँ से पहला जो हमारा 20 डिग्री नॉर्थ है वहाँ से इस यहाँ तक हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, मार्क करना है वो डॉटेड। ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है कि हमें ये डिस्टेंस मेजर करना है यहाँ से, ये वाला डिस्टेंस हमें मेजर करना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम ले लिए। अब हमें देखना है हमें कितने मेरिडियंस की ज़रूरत है। एक तो ये 20 डिग्री हो चुका है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मेरिडियन हमें ड्रॉ करना है। 20 तो हो चुका है तो 8 मार्क हम यहाँ पे ले लेंगे इसी इक्वेटर पर रख करके। 1 2 करना। हम यहाँ से इसको इसका पॉइंट मिला लेते हैं और यहाँ 0 डिग्री मिला लेते हैं, इसको 180 मिला लेते हैं, ये इक्वेटर के पैरेलल हो गया। और यहाँ से हम 90 डिग्री नाप लेते हैं, हमें तो बस स्ट्रेट लाइन चाहिए 90 डिग्री परपेंडिकुलर बिल्कुल। वो चाहे आप सेट स्क्वायर से करें चाहे किसी भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा स्ट्रेट हो जाएगा, इससे प्रोजेक्शन में डिस्टॉर्शन नहीं रहेगा। अब यहाँ से यहाँ तक हमें वो करना है ड्रॉ पैरेलल्स, ठीक है। तो ये हो गया, इससे मिला लेते हैं, ये वाले लाइन से इसको मिला लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक ये पैरेलल हमारा ड्रॉ हो जाता है। अब मेरिडियन रह गया हमारा, फिर पैरेलल लाइन पहले इसको सेट कर लेते हैं, ये पैरेलल को इस पर रख देंगे तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ये सेट स्क्वायर का ये लाइन यूज़ करके हम अपना मेरिडियन ड्रॉ कर लेंगे। स्लाइड करें, बस जी ये हो गया। अब हम एक्स्ट्रा जो लाइंस है उसको हम रिमूव करके इसका लेबलिंग कर देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा जो लाइन है
रिमूव कर देते हैं। एक्स्ट्रा लाइन को हम रिमूव कर दिए और अब इसकी लेबलिंग कर देते हैं। तो हमारे पैरेलल्स जो जो थे मेरिडियंस, चलिए पहले मेरिडियंस को लिख देते हैं। और इधर एंड में कैपिटल W लिखेंगे, E स्टैंड्स फॉर ईस्ट एंड W स्टैंड फॉर वेस्ट। अब यहाँ वो पैरेलल लिखेंगे, तो ये तो हमारा इक्वेटर है, तो 0 डिग्री ये हो गया, 0 से ऊपर। अब यहाँ लिख देते हैं हेडिंग, सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, ठीक है। होप ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू।